दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। ऐसा लगता है कि हम अपनी गलतियों से सीखना नहीं चाहते। हमने जो गलतियां पहले की थी, हम ये तो नहीं कहेंगे कि हूबहू उसी तरह की गलतियां आप कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन गलतियों के निशान बिल्कुल साफ साफ अभी भी नजर आ रहे हैं। हमारा इशारा दोस्तों, ये COVID-19 की जो महामारी है, इस गंभीरतम चुनौती से निपटने की हमारी सरकार की जो कार्यशैली है, उसमें जो गलतियां हैं, उसमें जो कमियां हैं, उनकी तरफ मैं बात कर रहा हूं, उनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं। दोस्तों, ये सिविलाइजेशनल, ये सभ्यतागत संकट है, किसी एक वर्ग पर नहीं है, किसी एक समुदाय पर नहीं है, पूरे समाज पर है, पूरे मुल्क पर है, और बल्कि पूरी दुनिया पर है। लेकिन दुनिया में जहां भी इस महामारी से निपटने में देशों को कामयाबी मिल रही है, वहां क्या स्थिति है और अपने यहां क्या स्थिति है, अगर आप कंपेयर करें तो बिल्कुल साफ नजर आता है कि जहां पर नीतियां सही थी और जहां नियत सही थी फैसला लेने वालों की, वहां पर कामयाबी मिल रही है। और COVID-19 को लेकर जो आज भारत में हाहाकार मचा हुआ है, वैसा बिल्कुल उन देशों में नहीं है। हम कितने देशों का नाम लें जो इस महामारी से उबर चुके हैं, आर्थिक विकास कर रहे हैं, उनके यहां समाज बिल्कुल सामान्य, लगभग सामान्य होता जा रहा है। कई छोटे मुल्कों ने भी वैक्सीन अपने यहां पर इजाद कर ली है, लेकिन अपने यहां क्या स्थिति है? ऐसा लगता है कि हमने नारों पर ज्यादा यकीन किया, नारे देने में उस्ताद हम रहे हैं। पिछले 7-8 सालों में देखा जाए तो एक से एक खूबसूरत नारे, अच्छे दिन आएंगे, आपदा में अवसर, न जाने कैसे कैसे नारे, मेक इन इंडिया। लेकिन मेक इन इंडिया का क्या हुआ? इस महामारी में जब वैक्सीन का सवाल, यानी टीका, आप जानते हैं कि भारत आविष्कारों के मामले में बहुत पीछे रहा है, अभी भी है, साइंटिफिक इन्वेंशंस की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों टीका के मामले में, वैक्सीन के मामले में हमारा मुल्क बहुत आगे रहा है। हमने पूरी दुनिया में एक नाम कमाया है वैक्सीन को लेकर। हमारे पास इतनी जबरदस्त प्रयोगशालाएं रही हैं, शासकीय सरकारी। हमारे पास अभी भी 7 PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कामयाबी के साथ वैक्सीन पर रिसर्च और उत्पादन के काम को आगे बढ़ाने में पूरी क्षमता और दक्षता उनके पास है। लेकिन हमने इस महामारी में क्या किया? हमने इस महामारी में विदेश की जो वैक्सीन है, उसको यहां की एक प्राइवेट कंपनी से उसका उत्पादन हो, इसमें हमने सारी ऊर्जा लगा दी। यानी मेरा इशारा आप जानते हैं सीरम इंस्टीट्यूट को लेकर है, जिसके मालिक इस वक्त लंदन में बैठे बताए जाते हैं, और जिसने हाथ खड़े कर लिए हैं, पता नहीं अब उत्पादन कब कितना होगा और हमको कितनी वैक्सीन कोविशील्ड की मिलेगी। अब हम स्पुतनिक ला रहे हैं और वो 995 रुपए की, 995 रुपए की स्पुतनिक है एक डोज। ये जो कोविशील्ड है उसके भी दाम आप जानते हैं, सब बढ़ाए जा चुके हैं। केंद्र के लिए कुछ दाम है, राज्य के लिए कुछ दाम है, कॉर्पोरेट्स जो अस्पताल है उनके लिए भी है अलग। लेकिन कोवैक्सीन, जिसको ICMR ने और पुणे का जो हमारा इंस्टीट्यूट है, बहुत मशहूर इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, इसने मिलके इस कोवैक्सीन को एक तरह से उस आइडिया को कंसीव किया, वो फार्मूला सामने लाया,
लेकिन भारत सरकार के किसी पीएसयू, या मैं तो कहता हूं कि 7 PSU, 8 PSU, 12 PSU, जितने पीएसयू हमारे हैं जो इस क्षेत्र में हैं, सबसे उत्पादन इसका कराया जाना चाहिए था, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमको वैक्सीन टीका मिल सके और अपने मुल्क के लोगों को हम टीकाकरण उनका कर सके। लेकिन हमने क्या किया, हमने ICMR और पुणे के अपने इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा जो चीजें सामने लाई गई थी खोज से, रिसर्च से, उनको हमने भारत बायोटेक नाम की एक प्राइवेट कंपनी के जरिए उत्पादन उसका शुरू करवाया। और जाहिर है वो एक प्राइवेट कंपनी, उसके पास उतनी कार्य क्षमता नहीं रही होगी, और आज वह जो उपलब्ध करा रही है वो नाकाफी है। तो हमारा ये कहना है कि वैक्सीन के मामले में, टीकाकरण के मामले में आज जो भारत चारों खाने चित्त पड़ा है, और वो विदेशी जो वैक्सीन हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं, उनसे उनकी ओर नजर लगाए है, हम देश के बड़े वैज्ञानिकों, देश की बड़ी बड़ी वैज्ञानिक संस्थाओं पर भरोसा करने, उनके जरिए काम कराने के बजाय प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर से न जाने, हम प्राइवेट सेक्टर से किसी के, किसी राजनेता या किसी राजनीतिक दल के प्रेम को कहीं से भी हम खारिज नहीं कर रहे हैं, वो आप कीजिए, लेकिन जब देश की जनता की जान बचाने की बात है, तो जो आजमाया हुआ अपने देश में टीकाकरण का फार्मूला था वो था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जरिए, उसे क्यों छोड़ा गया। अब आप विदेश की कंपनियों को देख रहे हैं जिनके टीके बहुत महंगे आ रहे हैं। तो जो भारत में टीके की कभी परंपरा नहीं थी कि पैसा वसूला जाए, लोगों को मुफ्त और यूनिवर्सल यानी सबको टीका लगता था, आज अपने मुल्क में लोगों से टीके के लिए पैसा, वैक्सीनेशन के लिए पैसा वसूला जा रहा है, और अब तो हजार में होगा, क्योंकि 995 रुपए की जो वैक्सीन है, और उसके बाद जो और आएगी अमेरिकन, बहुत सारी सुना है कि अमेरिकन कंपनियों से और एग्रीमेंट होने की बात चल रही है, तो उनका दाम और भी बढ़ेगा। तो हमारा ये कहना है कि ये वैक्सीन की पूरी प्रणाली अपने देश में जिस तरह से इवॉल्व इजाद की जा रही है, वो बताती है कि कैसे हम वाकई नीति के स्तर पर, नियत के स्तर पर फेल कर रहे हैं। और नियत के स्तर पर एक और बड़ा मुद्दा जो उभरता नजर आ रहा है इस देश में, जिस पर काफी चर्चा है, और वो है, आपको याद होगा शुरू में भी बहुत सारे लोग कहते रहे हैं और उसके प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिलते रहे हैं कि हमारी जो मौजूदा सरकार है, जो सत्ताधारी संरचना पर जो काबिज लोग हैं, वो उन लोगों से बेहद नफरत करते हैं जो सत्ताधारियों की आइडियोलॉजी से, उनकी विचारधारा से असहमत होते हैं, और उनको अपराधीकरण एक तरह से उन लोगों का करके ऐसा लगता है कि वो कोई अपराध कर रहे हैं असहमत होकर, ऐसे लोगों को जेल में बंद करने का भी काम सरकार ने किया है। और वो आप देख सकते हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता, छात्र, टीचर्स, प्रोफेसर्स, इंटेलेक्चुअल, पोएट, न जाने कितने लोगों को जेलों में बंद किया गया। ये वही चिढ़ थी, वही नफरत थी कि जो हमसे असहमत होगा वो देशद्रोही होगा, वो दुश्मन होगा, वो अपराधी होगा। आप किसी प्रोफेसर को अपराधी बता देते हैं, किसी नताशा नरवाल को आप अपराधी बता देते हैं। वही बात इस महामारी में भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, थोड़ी कमी दिखाई देती है, लेकिन खत्म नहीं हुई है। कैसे, जो लोग कोरोना से संक्रमित लोगों को इस संकट की घड़ी में मदद कर रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवाकर किसी तरह से, दवाएं जो उपलब्ध नहीं हो रही हैं बाजार में, काला बाजारी तो सरकार रोक नहीं पा रही है, दवा की दुकानों पर हर दवा मरीजों को, उनके परिवार वालों को उपलब्ध हो जाए, कोई जरूरत नहीं है किसी भी आदमी की, किसी भी एनजीओ की, किसी भी संगठन की, लेकिन सरकार वो काम नहीं करा पा रही है कि दवाओं की कालाबाजारी न हो, दवाएं लोगों के घर पर पहुंचे। कुछ प्रदेशों ने अपने यहां इस तरह का प्रबंध किया है, केरल की तरह आप भी पूरे देश में करा देते कि अगर कोई आदमी कोरोना संक्रमित है और अपने घर में वो सेल्फ आइसोलेशन में है,
क्वारंटीन है, उसके घर में जो दवा की जरूरत है दवा पहुंच जाएगी और वो पैसा पे करेगा। लेकिन यहां तो यह है कि दवा उपलब्ध भी नहीं होगी, और अगर कोई एनजीओ उपलब्ध करवाने की कोशिश करता है, सहयोग करता है, घर पे पहुंचवाता है अपने वॉलंटियर्स के जरिए, तो आप कहेंगे कि आप अपराधी हैं, आप लुटेरे हैं, आप कमीशन खोर हैं, आप ही जमाखोर हैं, और उनको आप पुलिस भेजकर उनसे पूछताछ कराएंगे। कमाल की बात है। अभी मैंने सुना और आपने भी देखा अखबारों में, आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं दिलीप पांडे, उनसे पुलिस पूछताछ कर चुकी है। एक श्रीनिवास हैं, बीवी श्रीनिवास, इंडियन यूथ कांग्रेस के, वो एक काम कर रहे हैं दिलीप पांडे और वो, दोनों अलग अलग पार्टी के हैं, लेकिन दोनों लोगों ने एक समूह बना करके और तमाम कोरोना संक्रमित जो लोग हैं दिल्ली और एनसीआर के, उनको उन्होंने काफी मदद पहुंचाई है। और मैं, माफ कीजिएगा, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं और कांग्रेस और आपका तो हरगिज नहीं, और मैंने दोनों की जम के आलोचना की है, जिस तरह बीजेपी की मैं करता हूं। कांग्रेस जब सत्ता में थी, आप देख सकते हैं, मैं लगातार उनकी आलोचना करता रहा हूं। लेकिन हमारा यह कहना है कि अगर इस दौर में आरएसएस का भी कोई आदमी इसी तरह से काम करता तो मैं उसकी भी प्रशंसा करता, उसका भी नाम लेता, और इसीलिए दिलीप पांडे या बीबी श्रीनिवास के काम की प्रशंसा हम ही नहीं, सभी लोग कर रहे हैं, वे लोग भी जो कांग्रेस के आलोचक हैं। लेकिन सरकार नाराज है और पुलिस पहुंच गई उनसे पूछताछ करने। बिहार में पप्पू यादव, उनके अतीत से मुझे बिल्कुल मुझे कोई मतलब नहीं, बल्कि यूं कहूंगा कि मैं उसको खारिज करता रहा हूं, उनके आपराधिक अतीत को। मैंने कई बार उनके खिलाफ भी अपनी किताबों में, अपने लेखों में लिखा है। लेकिन अगर वो कुछ सार्थक कर रहे हैं पटना में आसपास, तो उनको जेल में डाल देना ये कौन सी बात है, वो भी 32 साल पुराने केस में। तो मुझे लगता है कि ये जो सरकार, जो मौजूदा सरकार है, उसमें कहीं ना कहीं जो लंबे समय तक जो नफरत का एक अप्रोच रहा है कि हम अमुक कम्युनिटी को नहीं पसंद करते तो उसके खिलाफ एक अजीब तरह का माहौल बनाएंगे, हम अमुक राजनीतिक व्यक्ति को नहीं पसंद करते, वो अमुक पत्रकार को नहीं पसंद करते तो हम उसको ये करेंगे, तो वो ट्रेंड इस महामारी में भी दिखाई दे रहा है। और माफ कीजिएगा, महामारी में नफरत से आप चीजों को नहीं कंट्रोल कर सकते, नफरत और महामारी दोनों बिल्कुल उल्टी चीजें हैं, करुणा, प्रेम और एसोसिएशन, यही वो चीज है जो महामारी में मनुष्यता को एक कर सकती है। लेकिन मौजूदा रिजीम मिजरेबली फेल कर चुकी है इस मुद्दे पर, और माफ कीजिएगा, हमारी पूरे देश की जो नाकामी का एक बड़ा कारण है कोरोना के मोर्चे पर वो ये है। और बिल्कुल आखिर में दोस्तों, बिल्कुल चलते चलते मैं आपको बताऊं कि एक बड़ी बात जो दिखाई दे रही है वो है, हम आंकड़ों में भी झूठ बोल रहे हैं। सरकार जो आंकड़े परोस रही है कोरोना के संक्रमित लोगों के और जिनकी मौत हुई है उनके, अनेक राज्यों में वे आंकड़े झूठे हैं, और खासकर हिंदी भाषी क्षेत्र में और पश्चिम के कई राज्यों में तो बिल्कुल, अब वो गुजरात मॉडल वाला गुजरात प्रदेश है, उसको मॉडल बताया जाता है पूरे देश के लिए। लेकिन दिव्य भास्कर नाम का एक अखबार, बड़ा अखबार है गुजराती का, उसने तो पूरी पोल खोल कर रख दी कि किस तरह गुजरात में जो आंकड़े हैं कोरोना दौर के वो बिल्कुल झूठे हैं, और जितना डिटेल्स उसने दिए हैं, और वो भी श्मशान गृहों से, जो उन्होंने क्रिमेशन जो ग्राउंड्स हैं वहां से जो उन्होंने आंकड़े सरकारी लिए हैं और उस पर सबूतों के साथ जो उन्होंने दिया, उस पर आज तक वहां की सरकार उसका खंडन नहीं कर सकी। तो ये स्थिति है दोस्तों, हमें आंकड़ों में झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, हमें इस चुनौती से जूझना है, हमें अपने लोगों को बचाना है तो हमें सच का साथ देना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा कि हमारे यहां कितनी तबाही हो रही है। और बिल्कुल चलते चलते दोस्तों, अगर हमारी सरकारें कई राज्यों में लोगों को बचा नहीं पा रही हैं, अस्पताल में जगह नहीं दिला पा रही हैं, तो कम से कम उनके मरने के बाद शवदाह में उनके साथ सहयोग करें, उनके परिवार वालों के साथ सहयोग करें। अगर ऐसा होगा तो नदियों में लोगों के पार्थिव शरीर नहीं नजर आएंगे। क्यों नहीं हमारी सरकारें
जिन प्रदेशों से ये आरोप या इस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं, इस तरह की कहानियां सामने आ रही हैं, इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्यों नहीं वो सरकारें अपने हाथ में ले लेती हैं सारे क्रिमिनेशन के इशू को और वो अपने खर्च से ऐसे लोगों को जो गरीब हैं और जिनको लेकर एक आशंका है कि कहीं वो पार्थिव शरीर को नदियों में ना फेंक दें, तो पर्यावरण को बचाने के लिए, सभ्यता को बचाने के लिए और समाज में संक्रमण और न फैले इससे बचाव के लिए वो स्वयं शवदाह के काम को अपने खर्च से क्यों नहीं करती हैं? एक बड़ा इस बड़े सवाल के साथ मैं आज की चर्चा का समापन करता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।